भाइयों और बहनों, बच्चों, वहां सीढ़ी पे जो लोग खड़े हैं, प्रेस के हमारे मित्रों और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं का मैं यहां बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपने हिंदुस्तान का माहौल आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में हिंदुस्तान का माहौल बिल्कुल बदल गया है, बिगड़ गया है। देखा आपने जो पहले कितने साल की हो, हाँ 10 साल की हो, तो तुम्हें पता लगा पिछले 5 साल में देखा तुमने कि माहौल बिगड़ गया। देखा ना, जो पहले मूड हुआ करता था, जो पहले शांति थी, जो भाईचारा था, वो गायब हो गया। और अगर अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है, नाम क्या है तुम्हारा? आकृति। अगर आकृति को, अगर 10 साल के बच्चे को ये बात समझ आ गई तो ये आपको भी मालूम होगा, सबको मालूम है ना कि माहौल बिगड़ गया। इसका कारण क्या है? बहुत सारे लोग कहेंगे कि इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। मगर मैं थोड़ा सा बदल के कहना चाहता हूं, इसका कारण, सबसे बड़ा कारण, कि हिंदुस्तान की जनता को और खास तौर से जो हमारा युवा है उसे रास्ता नहीं दिख रहा है, डरा हुआ है। क्यों डरा है? बेरोजगारी से डरा है। युवा को यह नहीं समझ आ रही, इतने सालों उन्होंने पढ़ाई की, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में जाके पढ़े, एग्जाम लेते हैं, मगर पिछले 5 साल से उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। और किसी भी देश में अगर यूथ को, नई जनरेशन को रास्ता नहीं दिखता, तो फिर यूथ के दिल में गुस्सा पैदा होता है। वो जो गुस्सा पैदा हो रहा है उसका फायदा नरेंद्र मोदी उठाते हैं, मगर गुस्से का सच्चा कारण बेरोजगारी है। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा देश है, करोड़ों लोग रहते हैं, अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि अगर कोई चाइना को चैलेंज कर सकता है तो वो हिंदुस्तान के युवा हैं। कहा उन्होंने, आपने सुना, कहा था। अच्छा भैया, जैसे हमारा यहां पे पार्लियामेंट में भाषण होता है, वहां पे उन्होंने कहा कि देखिए, अमेरिका का मुकाबला एक तरफ चाइना कर सकता है, दूसरे तरफ हिंदुस्तान। आप जानते हो, और ये आपको सुनकर शायद अच्छा ना लगे, मगर आप जानते हो कि चाइना में सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने युवा काम करते हैं? कोई सोच सकता है, बता सकता है कि चाइना में सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? कोई बता सकता है? अच्छा, कोई बता सकता है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री में कितने लोग काम करते हैं? मैं आपको बताता हूं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री अगर आप देखो, उसमें 10-12 हजार लोग काम करते हैं, 20 हजार लोग काम करते हैं। चाइना की सबसे बड़ी फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं। एक फैक्ट्री में 12 लाख युवा काम करते हैं। अब मैं ये नहीं मानता हूं
कि चाइना के युवा हिंदुस्तान के युवा से ज्यादा होशियार है। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि चाइना के युवा हिंदुस्तान के युवा से ज्यादा काबिल। मैं अपने युवाओं से मिलता हूं, हर रोज मिलता हूं, और मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान का युवा किसी का भी मुकाबला कर सकता है, किसी का भी मुकाबला कर सकता है। तो ये हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है कि यहां पे इस कॉलोनी में, पूरी दिल्ली में युवा भटक भटक के रोजगार ढूंढ रहा है। उसके दिल में नफरत, गुस्सा पैदा हो रहा है। उस गुस्से का फायदा नरेंद्र मोदी, केजरीवाल जी उठा रहे हैं। मगर जो आपके सामने सबसे बड़ी मुश्किल है, बेरोजगारी, उसके बारे में ना केजरीवाल जी बोलते हैं ना नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं। मैं आपको बताता हूं, इनकी राजनीति नफरत की राजनीति है। और अगर ये आप लोगों को रोजगार दिलवा दें तो इनकी राजनीति वहीं की वहीं खत्म हो जाएगी। यहां पे मेट्रो बना, यहां आपको याद होगा केजरीवाल जी ने कहा, केजरीवाल जी आए, कहा भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा, याद है? नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था? भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। दोनों ने एक बात कही, भ्रष्टाचार को मिटा दूंगा। भ्रष्टाचार मिटा दिया क्या? मिट गया क्या भ्रष्टाचार? पूरा हिंदुस्तान जानता है भ्रष्टाचार मिटा नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ गया। मेट्रो किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने। मेट्रो छोड़ो, यहां पे आपको किसने बसाया? हमने उस टाइम आपसे पूछा था, हमने आपसे उस टाइम पूछा था, आपकी जात क्या है, आपका धर्म क्या है, कौन सी भाषा बोलते हो? हमने पूछा था, किसी से पूछा था? हमने आपको कहा था कि भैया जमीन लेने से पहले रजिस्ट्रेशन फी दो ना? हमने आपसे कहा था आप हिंदुस्तानी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल हिंदुस्तानी, खून हिंदुस्तानी, जमीन मिलेगी। अब ये लोग कौन है? अब देखिए, आप इस देश में कहीं भी चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, नया फैशन बना है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ केजरीवाल। देशभक्ति सिखाते हैं नरेंद्र मोदी जी, केजरीवाल जी देश के लोगों को, युवाओं को देशभक्ति सिखाते हैं। इस देश में किसी को देशभक्ति सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, इस देश में सबके सब देशभक्त हैं। ये सिर्फ बांटने का तरीका है, इसको आप समझिए, ये सिर्फ बांटने का तरीका है। पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने 3,50,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी, अदानी जैसे लोगों को दिए हैं। ये भैया, ये आप समझिए, क्यों दे पाए? ये इसलिए दे पाए क्योंकि आप लोगों को बांटा। आप लोग एक दूसरे के बीच में लड़ते हो और आपके जेब में से पैसा निकाल के उसी अदानी के जेब में जाता है, आपको पता भी नहीं लगता, आपको पता भी नहीं लगता आपका कितना पैसा अदानी अंबानी के जेब में जाता है। अच्छा भैया, यहां पे ये मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है, ये यहां क्यों उड़ रहे हैं? ये चील यहां क्या कर रहे हैं बताओ मुझे, कोई बता सकता है? ये चील जो घूम रहे हैं यहां पे क्यों घूम रहे हैं? हाँ, ये जो गंदगी है, आप बताओ मुझे, इस गंदगी को हटाने के लिए आपको क्या लगता है कितने करोड़ रुपए लगेंगे? कितने लगेंगे बताओ? 5 करोड़ 10 करोड़ 10 साल की बच्ची कह रही है 5 करोड़ 10 करोड़, ठीक है 50 करोड़ लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ही दिन पहले हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का 1,30,000 करोड़ रुपए
टैक्स माफ किया है, 1,30,000 करोड़ रुपए। आप लोग गंद में रहो, आप लोग 24 घंटे गंद में रहो, और वो लोग महलों में, हवाई जहाजों में शांति से रहें। ये उनका पैसा नहीं है। और मैं ये बात समझता हूं कि इस देश में बहुत सारे ऐसे बिजनेस वाले हैं, बड़े बिजनेस वाले, छोटे बिजनेस वाले, जो पूरा दम लगा के काम करते हैं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं उनके खिलाफ अनिल अंबानी जैसे चोरों के खिलाफ हूं, चोरों के खिलाफ हूं। जो अब आप ये मत सोचो, लाखों करोड़ रुपए, 1,30,000 करोड़ रुपए टैक्स माफ हुआ, 3,50,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ हुआ। अच्छा भैया, नरेंद्र मोदी ने किसानों का कितना कर्जा माफ किया है, कितने रुपए माफ किया है? हमने 72,000 करोड़ रुपए माफ किया था 10 दिन के अंदर। हिंदुस्तान के किसान आए थे, उन्होंने कहा देखिए हमारा भी कर्जा माफ कीजिए। 10 दिन में 72,000 करोड़ रुपए मनमोहन सिंह ने साइन करके दे दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि आप देश को बनाते हो। अच्छी तरह सुन लो, गरीबों के बिना, किसानों के बिना, मजदूरों के बिना यह देश कभी नहीं खड़ा हो सकता है, कभी नहीं खड़ा हो सकता है। तो आपको समझना होगा कि चाहे वो केजरीवाल जी है, चाहे वो मोदी जी है, उनका एक ही फंडा है आपको बांटना। मुझे बताओ केजरीवाल जी ने कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठाए थे, भ्रष्टाचार पे सवाल उठाए, मुझे बताओ क्या हुआ उनके सवालों पर, क्या हुआ? चुनाव के बाद, अरे कितने साल के हो तुम? देखो भैया, 12 साल के बच्चों को, 10 साल के बच्चों को मालूम है। तुम्हें राजनीति में आना होगा, समझ गए? स्कूल खत्म करो, राजनीति में आओ, तुम्हारे जैसे बच्चों की जरूरत है। केजरीवाल जी को, मोदी जी को हटाना है, परे करना है। तो रोजगार की बात, अब देखिए मैं थोड़ी दुनिया की बात करना चाहता हूं, दिल्ली की बात नहीं करना चाहता हूं, थोड़ा मैं आपको जो दुनिया में माहौल है उसके बारे में बताना चाहता हूं। आप लोगों ने देखा होगा चाइना में वायरस हुआ, सुना आपने? ठीक है, चाइना में वायरस हुआ, पूरी दुनिया के देशों ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना में डाल रखी हैं। जर्मनी, अमेरिका, जापान, कोरिया, इंग्लैंड, फ्रांस, सबके सब ने अपनी फैक्ट्रियां चाइना में डाल रखी हैं। अब उनको लग रहा है डर। डर किस बात का? वो कह रहे हैं कि भैया हमने तो पूरा का पूरा चाइना में डाल दिया, इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कौन कर सकता है? एक देश कर सकता है चाइना का बैलेंस, एक देश कर सकता है, उसका नाम है हिंदुस्तान। पूरी दुनिया कह रही है कि हम हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान में अपनी फैक्ट्रियां डालना चाहते हैं, हम दिल्ली के युवाओं को रोजगार दिलवाना चाहते हैं। मगर एक मुश्किल है, वो जो पुराना हिंदुस्तान था, भाईचारे वाला हिंदुस्तान, प्यार वाला हिंदुस्तान, वो कहां चला गया? नफरत वाले हिंदुस्तान में हम अपना पैसा नहीं डालना चाहते, हम इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। तो मौका है, बहुत बड़ा मौका है, आपके बच्चों के लिए मौका है। पूरी दुनिया देख रही है, कह रहे भैया हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, और फिर अगले मिनट कहते हैं भैया हिंदुस्तान में तो नहीं कर सकते,
पहले बात होती थी पाकिस्तान में नफरत हिंसा, हिंदुस्तान में शांति भाईचारा प्यार, आज हम देखते हैं हिंदुस्तान में नफरत, हिंदुस्तान में गुस्सा, हिंदुस्तान में क्रोध। हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, नुकसान किसका? आपका नुकसान किसका? हिंदुस्तान के युवाओं का। तो आपको एक बात समझनी पड़ेगी, ये जो नफरत फैली है, जो हिंसा हो रही है, इससे नरेंद्र मोदी को बहुत फायदा होता है, मगर आपको इससे कोई फायदा नहीं होता, इससे आपको सिर्फ नुकसान होता है। और ये देश का इतिहास हिंसा का इतिहास नहीं है, नफरत का इतिहास नहीं है, ये प्यार का देश है। इस देश में प्यार से काम किया जाता है, सबको जोड़ के काम किया जाता है, ये इस देश का इतिहास है। और आप देख लेना जब तक इस देश में नफरत है, जब तक इस देश में हिंसा है, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक इस दिल्ली में नफरत है, हिंसा है, ये दिल्ली आगे नहीं बढ़ सकती। तो मेरा आपको एक मैसेज है, हिंदुस्तान के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ा मौका है। हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं की जिंदगी बदल सकती है, पूरी दुनिया आपकी ओर देख रहा है। ओबामा, सारे दुनिया के देश आपकी ओर देख रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुस्तान के युवा चाइना का मुकाबला कर सकते हैं, प्यार से, नफरत से नहीं, प्यार से मुकाबला कर सकते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ मिनिस्टर कहते हैं रोजगार की कोई जरूरत नहीं, रोजगार की कोई जरूरत नहीं, यहां सिर्फ झूठे भाषणों की जरूरत है। और मैं आपको कह रहा हूं, बहुत बड़ा मौका है, इस मौके को आप छोड़िए मत, क्योंकि इसके बाद ऐसा मौका कभी नहीं आने वाला। हिंदुस्तान को खड़े करने वाला मौका कभी नहीं आने वाला। जैसे सफेद क्रांति हुई थी, हरी क्रांति हुई थी, टेलीकॉम रेवोल्यूशन हुआ था, मौका आया था, हिंदुस्तान ने पकड़ लिया था, कांग्रेस पार्टी ने पकड़ा था, मैं आपको कह रहा हूं ये मौका मत छोड़िए, नुकसान हो जाएगा सबका। हाँ, इस देश को अगर आगे ले जाना है, सबको मिलकर एक साथ खड़े होकर, सबको एक साथ मिलकर खड़े होकर आज आगे जाना होगा। और ये जो भैया देखो, आप मेरे सब भाषण सुन लो, मैं अब 15 साल से राजनीति में हूं, अगर मेरे भाषण में आपको एक झूठ सुनाई दे जाए, एक भाषण में एक झूठ कि राहुल गांधी ने किसी को झूठ बोला हो, एक भाषण में, ये आप केजरीवाल जी का भाषण सुनो, नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुनो, अमित शाह का भाषण सुनो ही मत, टाइम जाया मत करो, उसका भाषण को सुनने की जरूरत नहीं है, उसमें सिर्फ कचरा है। नरेंद्र मोदी का सुनो, उसमें झूठ मिलेगा, केजरीवाल जी के भाषण को सुनो, उसमें झूठ मिलेगा। अगर मैंने कहा कि देखो किसानों को 72,000 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो 10-15 दिन के अंदर हमने कर दिया। अगर हमने आपसे कहा, कांग्रेस ने कहा मेट्रो की जरूरत है, तो मेट्रो हमने आपको दे दी। अगर हम आपको आज कह रहे हैं कि पोल्यूशन के बारे में, इस गंध के बारे में कुछ करना चाहिए, तो मैं आपको यहां से गारंटी करके कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं। तो जो हम कहते हैं दिल से कहते हैं, देखिए हमारा, आप एक बात समझिए, नरेंद्र मोदी जी का आपके साथ कितना लंबा रिश्ता है, 5 साल का रिश्ता है, केजरीवाल जी का कितना लंबा रिश्ता है, 5 साल का, हमारा कितना लंबा रिश्ता है? हमारा भैया शब्दों का रिश्ता नहीं है, हमारा दिल का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है, हमारा पारिवारिक रिश्ता है, जिससे प्यार होता है उसको झूठ नहीं बोला जाता, झूठ, जिससे प्यार होता है उसे झूठ नहीं बोला जाता।
अपने परिवार से आदमी झूठ नहीं बोलता है, यह रिश्ता हमारा आपका, तो आपको यह समझना होगा। और मैं सच बोलूं तो मैं भी समझता हूं, देखो मुझे सचमुच में बोलने की भी जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि जो दिल मेरे दिल में आपके लिए है वही आपके दिल में मेरे लिए है, मैं जानता हूं उसको। और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान में जो सच्ची लड़ाई है, ये जो देशभक्ति की बात करते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, अमेरिका, जापान, चाइना, इनकी बात करते हैं, ये सब खोखली चीजें हैं। हिंदुस्तान के सामने, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदुस्तान के युवा अच्छी तरह सुन लो, और इस चीज से आप बच नहीं पाओगे। हिंदुस्तान के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है, वो चुनौती अगर आपने छीन ली, पकड़ ली, तो ये हिंदुस्तान के सामने दुनिया में सबसे बड़ा मौका है। और अगर आपने वो चुनौती नहीं छीनी, नहीं पकड़ी, तो जो आपको आज हिंसा दिख रही है हिंदुस्तान में, उससे 10 गुना हिंसा आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। और मौका क्या है? मौका यह है कि हमारे युवा एक साथ खड़े होके हिंदुस्तान को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल बना दे, दिल्ली को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बना दे, यह मौका है। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना पूरा दम, अभी भैया ये थोड़ी देर बकवास करेंगे, मगर मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपना पूरा दम, जो भी मेरे अंदर है, मैं पूरा अपना दम हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिलवाने में लगा दूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं समझता हूं असली देशभक्ति क्या थी। असली देशभक्ति अंग्रेजों से लड़ाई थी। अगली देशभक्ति क्या थी? सफेद व्हाइट रेवोल्यूशन। असली देशभक्ति हरी क्रांति। असली देशभक्ति टेलीकॉम रेवोल्यूशन। असली देशभक्ति हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार दिलवाने का काम। और मैं उस काम को पूरा करके दिखा दूंगा आपको। 5 साल लगेंगे, 10 साल लगेंगे, मगर आप देखना, मैं करके दिखा दूंगा। आप सब यहां कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट दीजिए, पूरी मदद कीजिए, दम लगा के कांग्रेस पार्टी को जिताइए, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनको जिताइए। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद।